हाय गाइस, दिस इज साक्षी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली हाट INA वाला। यहाँ पर वैसे तो ना मैं दिवाली के आसपास हमेशा जाती हूँ, और हर साल दिवाली पे ना मैं दिल्ली मार्केट सीरीज़ भी निकालती हूँ, जिसमें आप लोगों के साथ एटलीस्ट 5 मार्केट्स शेयर करती हूँ। बट इस बारी ना वो सीरीज़ मैंने इंस्टाग्राम पर निकाली हुई है। मैंने ऑलरेडी 2 मार्केट की वीडियोज़ डाल दी हैं और नेक्स्ट मार्केट की वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो जाकर फॉलो कर लो। सेंसेशनल साक्षी मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और 2 मार्केट्स देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो इस बारी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली हाट INA वाला। यहाँ पर दिवाली मेला लगा हुआ है अभी 11 नवंबर तक, जिसमें आपको, क्योंकि दिवाली है तो दियाज वगैरह बहुत सारे मिलेंगे और इस तरह की ज्वेलरी और अलग अलग स्टॉल भी लगे हुए थे। और इस तरह की जो ये साड़ियाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, ये वहाँ पर हमेशा रहते हैं। आप कभी भी चले जाओ, लाइक मधुबनी प्रिंट की साड़ी हो गई, टसर सिल्क की साड़ी हो गई, और जो बिल्कुल रॉ सिल्क होती है उसकी भी साड़ियाँ यहाँ पर ना हमेशा लगी रहती हैं। कश्मीरी वर्क ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, और कश्मीरी जो सूट होते हैं वो भी बहुत चल रहे हैं। बट ये वुलन में है तो थोड़े से ओवर प्राइज्ड हैं, और क्योंकि ये दिल्ली हाट है तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं। स्टॉल नंबर 42 था, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टॉल होता है वो था। यहाँ पर ना मेरे को इस तरह की नेक पीसेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और मैंने यहाँ से परचेज भी किए हैं कुछ चीज़ें। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर दूँगी, बट उसके लिए आपको ना मुझे कमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप के हैंडमेड बैंगल्स, नेक पीसेस, रिंग्स, इयररिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलती हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी प्राइस की बात करें ना तो थोड़ा सा ओवर प्राइस आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेट से वहाँ के कल्चर के लोग आते हैं और स्टॉल लगाते हैं, तो स्टॉल ही उनकी इतनी ज़्यादा महंगी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके प्राइस होते हैं। बट यस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी और आपको बैग्स, ऑल्सो यहाँ पर क्लोदिंग आइटम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा और आगे मैं चली, मैंने देखा यहाँ पर फुटवेयर भी थे, हैंडमेड जो पर्ल के फुटवेयर होते हैं ना ये भी मिल रहे थे। इनकी प्राइस रेंज थी 850 रुपीज़। थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग कर सकते हो, 50 से 100 रुपये ही कम करते हैं ये लोग, उससे ज़्यादा कम नहीं करते हैं। और ये जो घुंघरू वाली आपको चप्पलें दिख रही हैं ना, कोल्हापुरी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, मैंने ट्राई की थी बट मेरे को उतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं लगी तो मैंने छोड़ दी। और ये पर्ल वाली ये 850 रुपीज़ की मिल रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग में है। ऑल्सो ये हर क्लोदिंग पीस के साथ अच्छी लगती है, लाइक आप लहंगा पहन लो। कौन से किस चीज़ का बना हुआ है? ये मैंगो वुड से बना हुआ है मैम, और मेलामाइन 40 डेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, 3500 का बताया आपने, ठीक है। माली कर्मचारी ने सूचित किया जा रहा है, कृपया तुरंत दिल्ली हाट ऑफिस में संपर्क करें, ध्यान दें। दिल्ली हाट में होम डेकोर के भी काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाते हैं, साथ में ही आपको ना इस तरह की क्रॉकरी वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर देखने के लिए मिल जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर आप बार्गेन कर सकते हो। और यार, एंटीक चीज़ें जो होती हैं ना वो ऐसी ही जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सी वेराइटी में भी अवेलेबल हो जाती हैं। और दिवाली के लिए इस तरह के ओम, स्वास्तिक, ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। और ये बाउल देख सकते हो, विद स्पून है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये मैंने एक ना देखी थी, भैया ने बताया था कि ये रिवॉल्विंग है, इसमें आप नमकीन, बिस्किट, काजू बादाम वगैरह चीज़ें रख सकते हो, और दिवाली पे काफ़ी सुंदर लगती है। और ये इस तरह से घूम जाती है, काफ़ी यूनिक लगी, अच्छी लगी। 1600 अराउंड की थी, रियल कश्मीर के आपको ये मिल जाएंगे, स्टॉल्स मिल जाएंगे। लाइव स्केचिंग का ऑप्शन भी होता है, 200 से 250 रुपये में आप अपनी स्केचिंग करवा सकते हो। नेपाल साइड भी इस तरह के नेक पीस और मोतियों की माला पहनी जाती है, तो यहाँ पर हर टाइप की ज्वेलरी अवेलेबल थी अलग अलग स्टेट्स की। और इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, सभी की अपनी ही कुछ अलग पहचान है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
हैंडमेड इयररिंग्स भी यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर मिल रहे थे और काफी डिफरेंट और यूनिक भी लग रहे थे। ये आप देख सकते हो, जिसकी इसमें माता बनी हुई है, गर्ल बनी हुई है और बिल्कुल एथनिक वाला बना हुआ है, और कथकली वाला जो डांस होता है ना, वैसे वाले आइटम भी बने हुए हैं, काफी सुंदर लग रहे थे। चोकर नेक पीसेस मिल जाएंगे, ये भी हैंडमेड ही हैं, थोड़े से ओवर प्राइस होते हैं क्योंकि हैंडमेड होते हैं, और इस तरह के हैंड पेंटेड आपको ना कुशन कवर भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह के कोट्स या फिर जैकेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल थी। मैं लास्ट ईयर गई थी तो एक लेकर आई थी, मैंने लॉन्ग वाली ली थी, ये थोड़ी आपके ना वेस्ट एरिया तक आएगी, बट जो मैंने ली थी वो बिल्कुल ही लॉन्ग जो होती है ना वो वाली ली थी, काफी सुंदर लग रही थी। 2,500 रुपए में ये भी मिल जाती है, और ये खाने के आइटम्स भी यहाँ पर काफी अच्छे मिलते हैं, पापड़ और अचार वगैरह ये यहाँ पर हमेशा ही रहते हैं। भैया मैंने बहुत बार देखा है, बट ये हमेशा यहीं पर मिलते हैं, तो ये परमानेंट स्टॉल है। कुछ स्टॉल्स तो यहाँ पर परमानेंट ही लगती हैं, उसके अलावा जब मेला लगता है या फिर एग्जीबिशन वगैरह लगती है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टॉल्स और एक्स्ट्रा डेकोरेशन हुई हुई रहती है, तो काफ़ी सुंदर लगता है और एकदम परफेक्ट वाइब देता है यार इस दिवाली के मौसम में ना, मतलब दिवाली के टाइम में एकदम परफेक्ट, और इतना अच्छा मौसम भी हो गया है अभी तो। ठीक है, अभी दिल्ली में थोड़ा सा पोल्यूशन हो गया है क्योंकि दिवाली तक ऐसे रहता है, पटाखे वटाखे जलते हैं और इधर उधर का भी जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली में आके सारा का सारा जमा हो जाता है, बट ठीक है, थोड़ा टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। मौसम तो बढ़िया हो ही गया, एकदम घूमने फिरने खाने पीने वाला परफेक्ट। और ये देखो, हैंडमेड छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्किट और चाय बनी हुई थी, मन कर रहा था यार इसको घर उठाकर ले जाओ, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। स्टार्टिंग ₹19 आपको हैंडमेड कैंडल्स मिल जाएंगी, ये वाली हैंडमेड कैंडल्स थी, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की। ड्रीम कैचर मिल जाएंगे अलग अलग कलर में, व्हाइट कलर के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और इस तरह के आपको टेबल पर रखने के लिए ये कवर मिल जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर छोटे कोस्टर्स भी थे, तो ये भी आप ले सकते हो, सभी के प्राइस रेंज अलग थी, ₹1,000, ₹900, और ये भी था आई थिंक 1900 या फिर 2000 समथिंग का, काफ़ी सुंदर लग रहा था। राधा कृष्ण मिलेंगे आपको, राधा कृष्ण की यहाँ पर काफ़ी सारी वेराइटी अवेलेबल थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में थे, वो वाले भी थे, ये भी हैं, और इस तरह के आपको दुपट्टे भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, नेट के, चंदेरी, फुलकारी, ये सारे के सारे दुपट्टे मिलेंगे। हैंडमेड ये कुशन के कवर मिल जाएंगे, बड़े वाले कुशन के कवर है तो हमने लिए हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर हॉल देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। इसमें सभी में अलग अलग प्रिंटिंग है और थ्रेड से बना हुआ है सारा का सारा, काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड यस, इसमें कलर पैटर्न और डिज़ाइंस बहुत सारे अवेलेबल थे। इसी के ही साथ आपको लाइटिंग भी मिल जाएंगी, और दिवाली तो स्पेशली लाइट्स का ही फेस्टिवल है, तो अगर आपको लाइट्स वगैरह पसंद है तो यहाँ से ले सकते हो। चकला बेलन मिल रहा था, ये देखो भाई, मम्मी ने उठा लिया कि तेरा सर फोड़ूंगी मैं इससे, बट ठीक है, काफ़ी सुंदर था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि उसको यूज़ करो, सिर्फ शो पीस बना के रख दो ऐसा मन कर रहा था, बहुत हैवी भी था। इस तरह के आपको डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे, किसी को गिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी सुंदर है। कैंडल्स के लिए आपको होल्डर्स मिल जाएंगे, इसमें आप बहुत सारी कैंडल्स लगा सकते हो। दिए मिलेंगे हैंड पेंटेड, और फूड के आइटम भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल है। नागालैंड मिलेगा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, जयपुर, जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैंने ना काफ़ी बार सब कुछ खाया हुआ है, इस बारी मैंने मम्मी को बोला कि मणिपुर वाले में चलेंगे, तो हमने फ्राइड राइस और मंचूरियन लिए थे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे यार। मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, हर बार मेरे को यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा लगा था, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। एंड यस, बहुत सॉफ्ट मंचूरियन था यहाँ का। तो ये वाली जो क्रॉकरी होती है, मतलब जो प्लेट्स और बाउल्स वगैरह मिलेंगे जो बंजारा मार्केट में मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। दिल्ली वालों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दिल्ली हाट से ही परचेज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें, बट फिर से बोल रही हूँ थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगेगा, लेकिन क्वालिटी A1 मिलेगी, टॉप नॉच क्वालिटी के आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं, पुराने नहीं लगेंगे। इस तरह के आपको फ्रिज पर लगाने के लिए जो मैग्नेट्स होती हैं ना, वो भी मिल जाएंगी। और ये वाले जो पैटर्न है यार कोट्स के, ये बहुत सारे अवेलेबल थे यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी सी हर दूसरी तीसरी शॉप पर यही अवेलेबल थे, क्योंकि ये इस टाइम ना सर्दियों में इन हो जाते हैं, सीजनल होते हैं ये तो, और दिल्ली में कितनी 1-1.5 महीने की सर्दी पड़ती है, और उसमें हम ना पूरी भरमार लगा लेते हैं कपड़ों की, इतना खरीद लेते हैं, बट ठीक है, काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। डेकोरेटिव आइटम्स में आपको इस तरह की वॉल हैंगिंग मिलेंगी, ये हमेशा रहती हैं, किसी पर बर्ड बनी हुई है, किसी पर तोता बना हुआ है, तो ये अलग अलग आपको मिलेंगी। पपेट्स भी थी यहाँ पर, तो पपेट्स का जिसको शौक है वो जाकर ले सकता है, देख सकता है, पपेट शो भी होता है समटाइम्स यहाँ पर, बट अभी इस बारी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैं लास्ट टाइम गई थी तो यहाँ पर पपेट शो भी हो रहा था। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर कठपुतलियाँ मिल रही थी, और मधुबनी प्रिंट की आपको कपड़े मिलेंगे, शर्ट, टी शर्ट, साड़ी, सूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमेशा रहती हैं, दुपट्टे भी होते हैं, और सारे ही प्रिंट आपको मिल जाते हैं। ये मिल रहे थे, ये पता नहीं क्या है यार, आई थिंक प्लांटर्स हैं ये ना, यस प्लांटर्स हैं, और दिए रखे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और
बैग्स मिल जाएंगे इस तरह के, हैंड प्रिंटेड बैग्स भी थे। इसी के साथ आपको गद्दे पर बिछाने के लिए कवर मिलेंगे, बेडशीट मिलेंगी, कुशन कवर, पिलो कवर, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी थी। और यार प्राइस तो मेरे को सबका याद नहीं रहता, जिस जिसका याद रहता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पश्मीने की शॉल, दुपट्टे और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके ऊपर ना बुद्धा बने हुए थे, 4,500 रुपये की साड़ी थी, सिल्क बेस पर। मधुबनी प्रिंट मिलेगा, कलकत्ता सिल्क मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और स्पेशली जो साउथ इंडियन सिल्क होती है वो भी यहाँ पर समटाइम्स मिल जाती है। इस बार मेरे को साउथ इंडियन का कोई स्टॉल नहीं दिखा, बट होती है यहाँ पर, मैंने मे बी ज़्यादा सर्च ना किया हो। और मैं शाम के टाइम में गई थी तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर ना अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। और ये पेंटिंग भी मिल रही थी, 4,000-5,000 रुपये की पेंटिंग मिल रही थी, और इनको बनाने में नहीं 15-20 दिन लग जाते हैं। ये जयपुर वाले स्टॉल में ये राधा कृष्ण वाले आपको ना वॉल हैंगिंग मिल जाएगी, या फिर आप इसको टेबल के ऊपर भी बिछा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हो। अंकल जी बजा रहे थे कुछ, बोलते हैं पता नहीं, और भी चीज़ें यहाँ पर थी। और ये कुर्ते मिलेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिंट्स के। एंड या दैट्स इट गाइस, यही था दिल्ली हाट जो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाय गाइस।